जो ये वाला मंदिर है, ये पपलाज माता का मंदिर है, वो सामने देखते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है आज। एक जीके में क्वेश्चन पड़ा हुआ राजस्थान में कि ऐसी माता का नाम बताइए जो नौकरी देने के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसका आंसर पपलाज माता ही है। अभी वो उस पहाड़ पे लोग बाग वो कर रहे थे, वहाँ पे पत्थर खोद रहे थे, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो पूछ रहे थे कि रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो। उनको लग रहा था कि मैं इस रिकॉर्डिंग का मिस यूज करूँगा और कंप्लेन करूँगा। पपलाज माता का जो मंदिर है, इसमें सिर्फ एक मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे थी, अभी जो लास्ट चुनाव हुए थे नवंबर में, उसमें आती गई थी। और उससे पहले ये रोड थोड़ा सा खराब था, तो उन्होंने थोड़ा वो सही करा दिया। ये वाला मंदिर है, ये पपलाज माता का मंदिर है, वो सामने देखते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, दर्शन करने भी मुश्किल हो रहे थे, तो प्रसाद ऐसे ले रहे हैं वहाँ पे, मतलब मंदिर में अंदर नहीं जाने दे रहे। तो सबसे जो बढ़िया टाइम होता है आने का पपलाज माता के, वो है आप आओ कब, जब फेस्टिवल का सीजन ना हो, नॉर्मल डे हो, तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं पपलाज माता के दर्शन करने के। आज तक ये कुंड देख रहे हो ना, ये वाला, ये अब से करीब 8-10 साल पहले बनाया जाता था, हरदम पानी रहता, सूख गया, तो लोग बाग वहाँ से ऊपर से कूदते थे, इसके अंदर नाते जाते थे। लेकिन अभी थोड़ी गंदगी हो गई है, सफाई भी थोड़ी कम होती है, पौधों ग्रह। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है इस कुएं की, कि इसमें कभी भी, मतलब आप गर्मी में आओ, सर्दी में आओ,
और ये कहा जाता है कि जब से मंदिर बनाया गया था ना इस पर, उस वक्त से ये कुई है और ना इसमें कभी भी पानी नहीं बिकता। कभी भी आओ आप, चाहे सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, हरदम पानी भरा रहता है इसमें। तो पानी भी कितना ही खींच लो इसमें, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। आपको मैं बताता हूँ क्या क्या।